सब्सक्राइब कीजिए पजी स्पीडअप प्लेनेट चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस मिले सबसे पहले हर रोज़, और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई कॉकटेल की ब्रीडिंग के ऊपर वीडियो बनाओ यार, कॉकटेल की जो ब्रीडिंग है वो कैसे करवाई जाए और कोई फार्मूला बताओ जिससे कॉकटेल बहुत तेज़ी से ब्रीड करे। तो आज जो है आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि आज जो है मैं बिल्कुल यही वाला फार्मूला लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और ऐसा फार्मूला लाया हूँ अगर आप बीच में इसको दो दफ़ा यूज़ करोगे तो आपके पैर जो है वो तकरीबन जो है डेढ़ वीक यानी दस दिन के अंदर अंदर जो है कॉकटेल जो है वो बहुत तेज़ी से ब्रीडिंग करने पे आ जाएंगे और एग्स भी ज़्यादा देंगे, सही है ना, और जो है एग फर्टाइल भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, तो जो है एग की जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की जो है पसंद आएगी, तो लाजमी इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं तकरीबन आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इसका एक आज मैं ऐसा दाना बताने वाला हूँ जिसमें मैं काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें मिलाकर इनको सर्व करना यानी इनको देना होगा, जिससे जो जब ये दाने उस दाने को खाएँगे तो ये ब्रीडिंग करने पर आ जाएंगे। तो ये तकरीबन आपको जो है वीक में दो दफ़ा लाजमी देना है, वीक अगर सर्दियां हैं तो वीक में तीन दफ़ा लाजमी देना है, सही है, और यानी अगर सर्दियां हैं तो एक एक दिन का गैप रख कर दें, सही है, और अगर गर्मियां हैं तो वीक में दो दफ़ा दें। तो जैसे कि अभी तो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया और सर्दियां आ गई हैं, तो ये फार्मूला उम्मीद है आपको ईजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको अगर आपके पेट का जितना दाना होता है उस हिसाब से जो है आप जितना उनको दाना देते हो, यानी सेपरेट केजेस में तो काफ़ी दाना लग जाता है लेकिन कॉलोनी में जो है एक सा दाना लगता है, तो जितना भी आप दाना देते हो, सही है, मैं एक किलो के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी जितना भी आप दाना दो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे न्यू चैनल पर न्यू कमर्स आए वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें ताकि दूसरे लोगों को भी दूसरे आपके भाइयों को भी हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनकी भी जो है नॉलेज में इजाफा हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिले। तो व्यूअर्स चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो है कंगनी लेनी है मोटी, सही है, मोटी कंगनी लेनी है, बारीक कंगनी लेनी है, फिर से बता रहा हूँ मोटी कंगनी लेनी है, सही है ना, बारीक कंगनी लेनी है, लाल कंगनी लेनी है, और जो है सूरजमुखी के बीज लेने हैं, और जो है फिश वाले अंडे आपने देखे होंगे जो फिश के अंडे होते हैं जिसमें ऑयल होता है वो लेने हैं, सही है ना, और बॉयल अंडा चाहिए होगा, सही है, बॉयल अंडा एक होना चाहिए, सही है, एक एग होना चाहिए, और जो है और व्यूअर्स इसके अंदर इवॉन एक मेडिकल स्टोर से आपको इजीली टैबलेट मिल कैप्सूल होगा वो इजीली मिल जाएगा, सही है, वो डालना है। तो वो कैप्सूल जो है कैसे डालना है ये मैं आपको आगे जाके तरीका कैसे किस तरीके से बनाना है ये सब आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपने तकरीबन जो है एक किलो दाना बनाना है, एक किलो के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उसमें जो है आपने एक मुट्ठी जो है मोटी कंगनी डालनी है, यानी आप जितनी क्वांटिटी में दाना देते हो उसके हिसाब से सारी चीज़ों को बांटना है, सही है ना, उसमें एक किलो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो उसमें जो है आपको तकरीबन जो है एक मुट्ठी जो है मोटी कंगनी डालनी है, एक मुट्ठी बारीक कंगनी डालनी है, और एक मुट्ठी जो है हाथ की मुट्ठी जो होती है, हाथ की ये जो मुट्ठी कहलाती है, और इससे एक मुट्ठी जो है लाल कंगनी डालनी है, सही है, और सूरजमुखी के बीज डालने, सही है, आधी मुट्ठी, और जो है उसमें जो है फिश के ऑयल वाला जो वो होता है वो एक किलो में सिर्फ एक उसको डालना है, सही है, उसको उसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद जो है इवोन का एक ये जो कैप्सूल है ये मेडिकल से लाना है और इसको खोल के और इसका सारा मिक्सचर उसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है, सही है ना, और जो चीज़ें हैं फिर उसके बाद आपको जो है अंडा उबालना है, सही है, अंडा उबालना अच्छी तरीके से, सही है, और उसको छिलके समेत ही स्मैश करना है, सही है, छिलके के साथ ही उसको पीस के जो है उन सारे दाने के साथ मिलाना है और सही है अपने कॉकटेल को सर्व करें, और इससे आप लव बर्ड की भी बहुत तेज़ी से ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो
ये जो फार्मूला है ये आपको जो है वीक में, अगर सर्दियाँ तो वीक एक एक दिन का गैप रख के दें, और अगर गर्मियों में दे रहे हैं तो जो है तकरीबन 3 दिन का गैप रख के दें। तो जिस हिसाब से आप क्वांटिटी में अपने पेट्स को दाना देते हैं तो उसके हिसाब से जो है आप सारी चीज़ों को बांट लें, सही है, ताकि जो है दाना वेस्ट ना हो, सही है। बाकी जो है इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, सही है। मिक्स करने के बाद जो है अपने तोते को जो है जैसे एक एक दो दो या तीन तीन चम्मच जो है, अगर सेपरेट केज है तो हर केज में तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल दें ताकि वो खा सके, वरना आप ऐसा करें कि उसके दाने के पॉट्स निकाल लें और उसको उसके दाने के पॉट्स निकाल के दाने की जगह उसको पॉट में ये चीज़ डाल के दें ताकि वो फटाफट पहले उसको खा लें, सही है। तो जैसे ही वो खाएगा तो तकरीबन जो है मैक्सिमम 10 से 15 दिन में जो है कॉकटेल ब्रीडिंग करना शुरू कर देगा, और इसको खाने से ये होगा कि आपके कॉकटेल जो होंगे वो ताकतवर रहेंगे, सही है ना, यानी कमज़ोरी नहीं होगी, जो कमज़ोरी होगी वो भी पूरी हो जाएगी, सही है। और एग जो होगा वो उनके एग जो होंगे तो जो काफ़ी लोग काफ़ी मादियाँ आती है ना एग देते देते जो है कमज़ोर हो जाती है तो वो हेल्दी हो जाएंगे, और उनके एग का शेल जो है वो भी बहुत अच्छा आएगा, और जो एग की फर्टिलिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो जो है ज़्यादातर एग जो है वो फर्टाइल हो जाएंगे, सही है, ये एग को फर्टाइल भी करेगा, सही है ये फार्मूला, और इससे अनफर्टाइल एग्स नहीं होंगे। तो जो है बच्चे ज़्यादा से बहुत ज़्यादा बच्चे निकलेंगे, सही है, इस फार्मूले को यूज़ कराने से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जैसा कि मैं एडजस्ट करके आपको नहीं बता सका क्योंकि मैं ये फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे जो पैरेंट्स हैं वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिनके पैरेंट्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे या जिनके पैरेंट्स जो हैं वो ब्रीडिंग करते ही नहीं हैं तो उनको ये फार्मूला फ़ौरन ब्रीडिंग पे ले आएगा और वो फ़ौरन ब्रीडिंग करके एग्स देने लगेंगे। तो व्यूअर्स, तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा गर्म है, सही है ना, इस फार्मूले को जो है आपने कोशिश करनी है कि गर्मियों में जो है 3 दिन का गैप देके देना है, और सही है, और सर्दियों में जो है एक एक दिन का गैप देके रख देना है, वरना आपको जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पैर से गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ की आपको बता दूँ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दें, जितना बताया है 1 चम्मच या 2 चम्मच आप हर उसमें डाल दें, सही है। बस उम्मीद है ये वीडियो आज की पसंद आ गई होगी आपको, और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।